हेलो फ्रेंड्स, नीलम नडुका रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम सांभर मसाला बनाएंगे, तो चलिए सांभर मसाला बनाना शुरू करते हैं। सांभर मसाला बनाने के लिए यहाँ पे हम आधा कप साबुत धनिया लेंगे, 2 टेबल स्पून जीरा लेंगे, 2 टेबल स्पून ही राई या सरसों के दाने लेंगे। यहाँ मैंने कुछ दालें ली हैं, जैसे 2 टेबल स्पून यहाँ मैं उड़द दाल लूँगी, 2 टेबल स्पून ही तुअर की दाल लेंगे, 2 टेबल स्पून ही यहाँ चना दाल लेंगे, 1 टेबल स्पून काली मिर्ची लेंगे, 1.5 टेबल स्पून मेथी दाना लेंगे। यहाँ मैंने कुछ करी पत्ते लिए हैं, करीब 15 से 16 करी पत्ते हैं और करीब मैंने यहाँ 15 से 16 ही सूखी लाल मिर्च ली है। मैंने इनके बीज निकाल लिए हैं। इनके अलावा मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लूंगी और 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे मैं हींग पाउडर लूंगी। अब हम सभी मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इनका सारा मॉइस्चर निकल जाए। तो एक कढ़ाई में मैं सारी दालें डाल दूंगी। यहाँ मैंने चना दाल डाल दी है, उड़द की दाल डाल दी है और तुअर की दाल भी डाल दी है। सारी दालों को लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। दालों को रोस्ट होने में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैं इन्हें अलग से रोस्ट कर रही हूँ। बस दालों का कलर चेंज होने तक ही सेकना है। देखिए, दालों का कलर चेंज हो गया है। यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे। अब सेम कढ़ाई में ये साबुत धनिया डाल देंगे, मेथी दाना डाल देंगे, राई या सरसों के दाने डाल देंगे, काली मिर्च डाल देंगे और जीरा डाल देंगे। इन्हें भी लो फ्लेम पे सेक लेंगे। बस इसी तरह से लो फ्लेम पे लगातार चलाते रहेंगे। हमें मसालों को जलाना नहीं है, बस लो फ्लेम पर ही एक अच्छी खुशबू आने तक सेकना है। मसालों में एक अच्छी खुशबू आने लगी है। यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और सेम बाउल में इनको निकाल लेंगे। अब ये सूखी लाल मिर्च और करी पत्तों को रोस्ट करेंगे। इन्हें भी लो फ्लेम पर सेकेंगे। देखिए, लाल मिर्च और करी पत्ते का भी कलर चेंज होने लगा है। तो यहाँ पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसी बाउल में इन्हें भी निकाल लेंगे। अब इन मसालों को ठंडा करके ग्राइंड करेंगे। तो ये मिक्सर जार लेंगे और ये मसाले जार में डाल देंगे। तो इस तरह से सारे मसाले मैं इस जार में डाल दूंगी। ध्यान रखें, इन मसालों को ठंडा जरूर करें। यहाँ पे हींग पाउडर डाल देंगे और हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसका एक फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए, सांभर मसाला बनके तैयार हो गया है। मैंने इसका एक फाइन पाउडर बना के तैयार किया है। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में रख के स्टोर कर सकते हैं। यहाँ मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। अगर आप सांभर में 1 कटोरी दाल यूज़ कर रहे हैं तो 2 टेबल स्पून सांभर मसाला डालें। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।